मेष राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को बता दें, सितंबर के महीने में इस तीन जगह पर भूल कर भी मत जाना, क्योंकि यह जगह आप सभी को जिंदगी खत्म करने की निमंत्रण दे रहा है। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो की सच्चाई सुनकर आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगा, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह सितंबर का महीना आप सभी के जीवन काल के लिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली महीना साबित होने वाला है। दोस्तों भले ही आप पिछले महीने में कितने ज्यादा दुख दर्द और समस्याओं को क्यों ना झेले हों, लेकिन दोस्तों यहां सितंबर का महीना आप सभी के लिए इस कलयुग का सबसे ज्यादा भाग्यशाली और लाभकारी महीना साबित होने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले सर्वप्रथम जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद आपकी और आपके परिवार पर बना रहेगा। दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि कई बार हमारे जीवन में जो हम सपने सजाए होते हैं कि आने वाले महीने में हम यह कार्य करेंगे वह कार्य करेंगे, लेकिन दोस्तों महीना व्यवसाय नहीं जाता जैसे हम सोचते हैं, क्योंकि दोस्तों वश में ग्रह गोचर में कुछ ऐसे ही अशुभ प्रस्तुति का निर्माण होता है कि हमारे कार्य एटी-केटी चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों सितंबर 2024 के महीने में आप सभी की कुंडली में लाभकारी योग बन रहे हैं। ऐसे योग आपकी कुंडली में पहली बार बन रहा है। दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, अब कलयुग की सबसे बड़ी घटना आप सभी के जीवन काल में होने वाली है और यह सितंबर के महीने में होने वाली है। यदि आप इसका लाभ पूरी तरह से उठा लेंगे तो दोस्तों इस कलयुग के राजा आप बनने वाले। जी हां दोस्तों, पूरे गांव मोहल्ले में आपके ही नाम के चर्चा होंगे, जगह जगह आपका नाम के आपके फोटो छापने वाले, क्योंकि कामयाबी सफलता और इज्जत प्रतिष्ठा आप कुछ ऐसा प्राप्त करने वाले हैं कि सभी जलने वाले के होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, अब आपके जितने भी दुश्मन हैं जल जल कर रहा हो जाएगी। आपकी कामयाबी को देखकर, आपकी तरक्की को देखकर अब आपके पास पड़ोस के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जल उठेगी। जी हां दोस्तों, लेकिन यदि आप कोई भी गलती कर देंगे तो दोस्तों यह सितंबर का महीना आपके लिए सबसे ज्यादा खराबी जा सकता है। इसीलिए दोस्तों आज के ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इस वीडियो का निर्माण आपकी कुंडली को पूरी तरह से छानबीन करने की बात बनाया गया है, जो कि खासकर आप सभी के लिए ही है और यह 100% सटीक है। जो भी इसी अंत तक देखिएगा वह इस सितंबर के महीने में बड़ी गलती करने से बच जाएगा। जी हां दोस्तों, जाने अनजाने आपकी जीवन में कोई गलती हो जाएगा, तेरा पूरा सितंबर का महीना आपका बर्बाद नहीं होगा बल्कि आने वाले अगले 3 महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर का महीना आपके लिए सबसे ज्यादा खराब जाने वाला है। आपके और आपके परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूटेगा, इसीलिए दोस्तों यह गलती मत करना। 1 सितंबर के भाग्यशाली महीने में आप यह 3 जगह भूलकर भी मत जाना। दोस्तों यह 3 जगह शैतान का जगह, यह 3 जगह आप सभी के जीवन का सबसे अशुभ जगह साबित होने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, 370 साल के बाद आप सभी की कुंडली में ऐसा शुभ और भाग्यशाली योग का निर्माण हुआ है जहां पर आपकी और आपके परिवार की पूरी जिंदगी बदलने वाली है। जी हां दोस्तों, सभी के जीवन में सभी की कुंडली में इतने भाग्यशाली योग नहीं बनते हैं। लोग लाख पूजा पाठ मन्नत मांगते हैं, बहुत चढ़ावा भगवान को अर्पित करते हैं, उसके बाद ऐसे मौके और सौभाग्यशाली समय उसके जीवन में आता है। दोस्तों लेकिन आपकी किस्मत इतनी अच्छी है, आपके इतने अच्छे पुण्य कर्म है कि दोस्तों आप सभी के जीवन में इतने बड़े और भाग्यशाली मौके साक्षात भगवान शनिदेव देने वाले। जी हां दोस्तों, भगवान शनिदेव कर्म के देवता है, यह सभी के जीवन में न्याय करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अन्य करता है, लोगों को तड़पता है, सभी को सताता है, तो भगवान शनिदेव उसे दांडी गीत करते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं में भगवान शनिदेव भी एक ऐसे देवता है जो सभी मनुष्य के कर्मों को देखकर उसे फल देते हैं। जी हां दोस्तों, और आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर भगवान शनिदेव आप सभी को आपकी अच्छी कर्मों का फल देने वाले हैं, और आपकी जो भी विरोधी है, जो भी आपके दुश्मन है, जो आपसे हमेशा के भाव से जलते रहते हैं,
हमेशा अपने मन में द्वेष की बहन पैदा करते हैं, उन सभी दुश्मनों का सत्यानाश भी कर देंगे और आपके लिए लाभ के नए नए दरवाजे खोल देंगे। यह सितंबर के महीने में आपको कौन कौन से बड़े खुशखबरी मिलने वाली है, आपकी कौन कौन से कार्य बनने वाले हैं, आपकी कौन कौन से सोचे हुए सपने सच होने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके संपूर्ण जानकारी पूरे ही विस्तार से ग्रह गोचर के आधार पर आधारित है बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जानकारी थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा जानकारी को मिस कर देंगे तो यह ज्ञान यहां ज्योतिष कार्यक्रम आपको कोई भी फल नहीं देगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा इंसान को अशुभ फल देते हैं। जी हां दोस्तों, और आने वाले अगले 1 से 30 सितंबर का जो समय है, आप सभी के जीवन का सबसे ज्यादा लाभ देने वाला समय साबित होगा। परंतु यह 3 स्थान पर आपको भूलकर भी नहीं जाना है दोस्तों। यह 3 स्थान भगवान शनि देव को बिल्कुल ही पसंद नहीं है, और यह महीना भगवान शनि देव को समर्पित है, क्योंकि इसमें भगवान शनि देव आपकी कुंडली में बड़े बड़े शुभ योग का निर्माण करने वाले। इसलिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि आज की जानकारी आपको चौंका देंगे। दोस्तों, भगवान शनि देव महाराज में दे दिया है, बहुत बड़ा संकेत। अब इसी नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में भगवान शनि देव का कहर आपके जीवन में बरसने वाला है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, आज शाम से आप सुबह के जीवन काल में शनि देव का बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि यह समय में भगवान शनि देव को आपको समझना होगा। शनि देव आप क्या चाह रहे हैं, कौन से 3 स्थान हैं जहां पर आपको नहीं जाना है, सभी बात हम विस्तार से बताने वाले, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी भगवान शनि देव के सच्चे भक्त हैं, माता शैल पुत्री के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता शैल पुत्री, जय शनिदेव 3 बार लिख दीजिएगा। माता रानी और भगवान संदीप का सीधा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा इस पूरे सितंबर के महीने में, भूल कर भी नहीं जाना इन 3 स्थानों पर, वरना शनिदेव का भयंकर करो आपके ऊपर बरसेगा, और शनिदेव के साथ राहु मंगल और शुक्र एक साथ आपके जीवन की हर एक खुशी, हर एक औरत को धन दौलत और संपत्ति को समाप्त कर देंगे। इसी के साथ साथ यदि आप समय पर नहीं समझे और इन 3 स्थानों पर आपने जाना बंद नहीं किया, तो कर्जा बीमारी, दुर्घटना, दरिद्रता और लड़ाई झगड़े आपकी जिंदगी में शामिल हो जाएंगे, और इन सब का सबसे बड़ा कारण होगा आपके द्वारा की जाने वाली यह एक भयंकर गलती थी। आप गलती से ही सही, लेकिन 3 स्थानों पर चले जाएंगे। यह मित्रों, इन 3 स्थानों पर इतनी भयंकर नकारात्मक ऊर्जा होती है, इससे इसे बिल्कुल भी सहन नहीं सकते हैं, और वे उस इंसान को श्राप देते हैं जो इन 3 जगहों पर भूल से भी चला जाता है। अब आप सोचेंगे कि भूल से यदि चले जाएंगे तो शनि देव कितने क्रोधित क्यों होंगे कि भूल से किया गया बाप का तू हर देवी देवता समाधान कर देते हैं। परंतु दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह बात ठीक नहीं है। आप चाहे भूल से किया जाए या जानबूझकर किया जाए, बाप तो बाप होता है। अब बिजली के तार हो, चाहे आप भूल से छुए या जानबूझकर छुए, करंट तो आपको लगेगा ही। इसी प्रकार यदि आपने कोई ऐसा कर्म किया है जो शास्त्रों के और देवियों के अनुकूल नहीं है, आपको उस कर्म का फल तो भोगना ही होगा। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इस सितंबर के महीने में आपको बहुत अधिक सतर्क रहना है। अब इसका कारण यह है कि आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। ग्रहों को देखते हुए पहली तो यह कि 29 जुलाई से शनि वक्री चाल चल रहे हैं, बहुत सावधानी से रहने वाला समय होता है। वैसे तो शनि देव की दृष्टि ही बकरी होती है, लेकिन अब उनकी चाल भी बकरी हो गई है, जो कि उनके प्रभाव को दोगुना कर देती है। इसी के साथ मंगल भी इस पूरे सितंबर आपकी राशि में भारी रहने वाले हैं। अब शुक्र और शनि की यदि बात की जाए तो दोनों परम मित्र होते हैं और खुद भी शनि के मित्र हैं, तो जो शुक्र और बुध दोनों आपके जीवन में लाभ भाव में गोचर कर रही है, वह भी आपको लाभ के स्थान पर पानी पहुंचाएंगे, और इन दोनों ग्रहों से जुड़ी हुई समस्या आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इसका कारण होगा शनिदेव से इनकी पर मित्रता। पर यह तो हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि जिस इंसान से शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं, उस इंसान का राहु एक्टिव हो जाता है,
सक्रिय हो जाता है और उस इंसान से जानबूझकर ऐसे कर्म करवाता है जिससे किस शनिदेव उस पर और अधिक नाराज हो जाते हैं, खो जाते हैं और उसे दंड देने लगते हैं। इसीलिए आपने यह कहावत तो अवश्य सुनी होगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि जब इंसान का समय खराब आदमी को होता है उसकी बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। और इंसान का वक्त खराब आने का मतलब क्या है? इस शनिदेव उसे क्रोधित हो चुके हैं। अब शनिदेव क्रोधित होंगे तो बुरा वक्त कैसे आएगा? आप समझ गए कि शनिदेव की शक्तियां हैं, इस कलयुग में बहुत अधिक है। सबसे पहली शक्ति है कि शनिदेव को न्याय का और कर्म का देवता कहा जाता है। इसी के साथ साथ शनिदेव दंडाधिकारी भी है, यानी हर इंसान तू धरती पर जी रहा है उसके जीवन में कौन उसे कब मिलेगी, इसका निर्णय स्थानीय थे वही लेंगे। और यह अधिकार शनिदेव को किसी और ने नहीं, स्वयं भोलेनाथ ने दिए हुए हैं। इस अधिकार से शनिदेव जब आपको दंड देंगे, आपसे नाराज होंगे, तभी तो आपका बुरा समय आएगा। और जब आपका बुरा समय आएगा तो उसे बुरा समय को लाने के लिए कुछ ना कुछ तो माध्यम बने, तो आपके ही द्वारा किए गए कुछ ऐसे कार्य जो शनिदेव को नाराज करेंगे और आपका बुरा समय लेकर आएंगे, तो आपकी बुद्धि पर राहु हावी हो जाएगा और जानबूझकर आपसे ऐसे कार्य कराएगा जिससे कि आप गलत दिशा में चले जाएंगे और आपके कर्म खराब हो जाएंगे, जिससे शनिदेव आपसे क्रोधित होकर आपको दंड देंगे। इसीलिए यह कहावत बनी हुई तो सबसे बेहतर होगा दोस्तों कि आपको पहले से ही इस बात के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए कि ऐसे विकट समय में जब शनिदेव बकरी हैं, यानी उनकी महादशा चल रही, तो आपको कौन से ऐसे स्थान हैं, कौन से अधिकारी हैं जो नहीं करनी है, जो शनिदेव की सोच के और उनके विचारधारा के खिलाफ है। अब जब आपको ही चीजों के बारे में पता चल जाएगा तो आप पहले से ही सतर्क हो जाएंगे, फिर आप यह गलती नहीं करेंगे और आपके जीवन में शनिदेव की कृपा भी बनी रहेगी। सीधी सी बात है, जब शनिदेव आपसे नाराज नहीं, तू भी आपसे प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होंगे तो फिर आपको अच्छे फल भी देंगे। वैसे प्रिय मित्रों, हम आपको बता दें कि शनि जब बकरी होते हैं या शनि की साढ़े साती चल रही होती है, यानी कि शनि किसी भी प्रकार से हावी होते हैं, तो किसी किसी जातक को तू करोड़पति तक बना देते हैं। इसे किसी जातक के जीवन में खुशियां लेकर आते हैं जिसके लिए वह जीवन भर से तरस रहा था। लेकिन इसकी भी कुछ सकते हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना है। अब शनि देव की महादशा के समय में आपको क्या करना है, इससे ज्यादा ख्याल इस चीज का रखना पड़ता है कि क्या नहीं करना है, क्योंकि शनि देव बहुत ज्यादा क्रूर है। एक बार जब गुस्सा होगा तो फिर पसंद कर पाना बहुत अधिक मुश्किल हो जाता है। इसीलिए प्रिय बंधुओं, हम बार बार आपसे एक ही बात कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि शनि देओल उचित हो, वरना सबकी कराए पर पानी फिर जाएगा और आपकी हर योजना चौपट हो जाएगी, आपका जीवन बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। प्रिय बंधुओं, इस कार्यक्रम में जो जानकारी हम आपको दे रही हैं, उसके लिए हमने शास्त्रों की गहराई से विशेष ज्ञान को निकाला है, आपके ग्रहों की चाल का पूर्व अध्ययन किया है और संपूर्ण ज्योतिषीय आकलन के आधार पर, आपकी कुंडली का सही विश्लेषण करने के आधार पर सारी ज्ञान की बातें आपको बता रहे हैं। हमने इस ज्योतिष कार्यक्रम को बनाने में बहुत मेहनत की है, हमारी पूरी टीम के साथ मिलकर हमने प्रयास करके आपके लिए सर्वोत्तम सर्वोत्तम ज्ञान देने की कोशिश की है। साथ ही साथ माता रानी की कृपा और आशीर्वाद भी आपके लिए इस ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की है। तो अब हम यह चाहते हैं कि आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें, क्योंकि यदि आपने इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा नहीं देखा तो हमारी सा मेहनत पर पानी फिर जाएगा, साथ ही साथ माता रानी की कृपा और आशीर्वाद भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि ज्योतिष कार्यक्रम के अंत में हम आपको एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय भी बताएंगे जिससे शनिदेव के साथ साथ उनके अन्य सहयोगी ग्रह जैसे कि राहु केतु, शुक्र और कुछ प्रसन्न हो जाएंगे। साथ ही साथ माता रानी की कृपा और आशीर्वाद भी आपको एक बार में ही पहुंच जाएगी, यानी एक उपाय से माता रानी की कृपा और ग्रहों का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो उस उपाय को आपको अवश्य देखना होगा, तभी आपका यह ज्योतिष कार्यक्रम देखना और हमारा इस ज्योतिष कार्यक्रम को बनाना सार्थक सिद्ध हो पाएगा। तो उम्मीद है मित्रों,
कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। हमारी ज्योतिष कार्यक्रम में केवल ठोस और सच्चा ज्ञान दिया जाता है। यह फिजूल की बातें करके हम समय खराब नहीं करते हैं। चलिए मित्रों, बिना समय खराब किए आज किस ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को और शनिदेव को आभार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि यह ज्योतिष कार्यक्रम शनिदेव को ही समर्पित है। तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मान शैलपुत्री, कृपा करो तो माता रानी की आपको पूरी कृपा और आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही साथ जय शनिदेव जी अवश्य लिखें, शनिदेव की आपसे प्रसन्न रहो। इसी के साथ साथ माता रानी के इस दा आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके, अगर मुझे घंटे का निशान है उसे भी अवश्य गवाही दे। ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और इसके बाद जो भी माता रानी की सेवा में पूजा पाठ अनुष्ठान हम करते रहते हैं उन सब कुछ ना कुछ आंशिक फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही साथ माता रानी की दिव्य और कृपा तो आपके साथ रहेगी ही रहेगी, तो चाहिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आपको इस सितंबर के महीने कुछ समस्याएं हैं जिनसे लगातार तुझसे रहना पड़ेगा। पहली समस्या रहेगी आप किस शरीर, आपके स्वास्थ्य को लेकर दो तीन समस्याएं हैं जो आपके शरीर में लगातार बनी रहेंगी एक के बाद एक। पहली समस्या कि आपके शरीर में भारीपन, सुस्ती, थकान, आलस और हल्का बुखार और हरारत जैसी, यह मित्रों आप चाहकर भी आलस, थकान और सुस्ती से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन सब के अधिपति शनिदेव हैं और शनिदेव खुद ही बकरी चल रहे हैं, यानी और ढीले हो गए हैं। वक्री चाल का मतलब होता है भी में चलना, तो और भी में हो गए हैं। अब आप समझिए कि जब शनिदेव खुद ही बहुत ही में चल रहे हैं तो उनके प्रभाव से आप तो दिल में रहेंगे, तो यानी कि यह उनकी ही दशा है, उनका ही प्रभाव है। दूसरा कि आपके शरीर का ताप थोड़ा सा बड़ा रहेगा। अब आपके मन का अभी तक बढ़ेगा और शरीर का ताप बढ़ने से मतलब है कि आपको शरीर में गर्मी का बहुत अधिक एहसास होगा। जिम तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके शरीर में गर्मी एकदम से बढ़ रही है। इसी के साथ साथ आपके मन का भी पाप पड़ेगा, यानी कि आपको बात बात पर क्रोध और चिड़चिड़ाहट आएगी, आपकी झुंझलाहट बढ़ती चली जाएगी, जरा सा काम नहीं बनेगा और आपके मन में क्रोध भर जाएगा। किसी की जरा सी बात आपके साथ है, जरा खटपट होगी और आपको उस पर क्रोध आने लगेगा। ये मित्रों अब शरीर की जो आप हैं वह तो ठीक है, लेकिन मन करता आपके लिए खतरनाक है, यह आपके लिए समस्याएं खड़ी करेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है? सबसे पहला काम ऐसे में कि आपको किसी के साथ बहसबाजी में नहीं पड़ना है, ज्यादा बातें किसी के साथ ना करें। इस पूरे सितंबर के महीने सबसे बड़ी सावधानी और सबसे बड़ी सलाह आपको यही है कि आप अपने काम पर ध्यान दें। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, काम धंधा, व्यापार, नौकरी, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, बस अपने काम पर पूरा फोकस बनाकर रखें। इधर उधर बिल्कुल भी अपने मन को ना, पूरा महीना वैसे भी आपका मन इधर उधर के कार्यों में अधिक मटके का। आप जिस कार्य को कर रहे हैं उस काम में मन नहीं लगेगा और उसका हमसे रुचि भी आपकी समाप्त होने लगे कि इस समय पर आपको ऐसा भी लग सकता है कि अब इस काम में कुछ भी नहीं रखा है, इसमें नहीं है, इस काम को छोड़ देते हैं, किसी अन्य कार्य को शुरू कर देते हैं जिसमें अधिक लाभ होगा। यह आपका वहम है, शनिदेव का प्रभाव। इसे आप मानकर चलिए, ऐसा आपको महसूस होगा, जरूर महसूस होगा। दूसरी समस्या कि आपके शत्रु किस महीने में सक्रिय हो जाएंगे। पुरानी शत्रु, छुपे हुए शत्रु आपसे बहुत अधिक पत्रता मानेंगे, आपके खिलाफ काम करेंगे, आपकी चुगलियां कर सकते हैं, आप ऐसी जगह ले जाकर फंसा सकते हैं जहां से निकलने का रास्ता मुश्किल होगा, या फिर आपके शत्रु जो अपनों में ही हैं वह आपको ऐसी योजनाओं में, ऐसी तरकीब में फंसाने की कोशिश करेंगे। यहां आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो जाएगा, तो क्या करें? आप सबसे पहली चीज की किसी पर भी अंधा विश्वास ना करें, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा ना कर लें। दूसरा, पिक किसी की सलाह से कोई भी कार्य ना करें। ये मित्रों आप उसकी सलाह को मान लें, लेकिन पहले उसे अपनी बुद्धि, अपने विवेक से अच्छी तरह से फर्क है। कोई कह रहा है कि इस जगह पैसा लगा दो बाजार में, इस जगह व्यापार कर लो, यह जगह पैसा खर्च कर लो, इस चीज को खरीद लो, इसे भेज दो, अच्छी बात है,
उसकी सलाह को आप सुने, लेकिन उस सलाह को अच्छी तरह से मदद करें और जब आप स्वयं को ठीक लगे तो वही उस कार्य में आगे बढ़े। आंख बंद करके किसी की सलाह मानकर आगे बढ़ना आपके लिए बहुत अधिक खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि वह आपकी शत्रुओं के द्वारा बिछाया क्या जान भी हो सकता जिसमें आप हंसकर रह जाएंगे। इस सितंबर के महीने में आपके कोई कानूनी विवाद यदि अटके पड़े थे तो वह पानी विवाद भी सक्रिय हो उठेंगे और उनमें भी कुछ ऐसी बातें उठकर सामने आएंगी जो आपको परेशान करेंगे या नहीं। कानूनी मामलों में भी आप उलझ कर रह सकते हैं। अब रुपए पैसे के लेन देन को लेकर भी समस्याएं हो सकती हैं। समय पर आप किसी का पैसा वापस नहीं कर पाएंगे और दूसरे भी आपका पैसा आपको समय पर दे नहीं पाएंगे, जिससे बाजार में आपकी छवि खराब होने लगेगी। लोग आपके बारे में नकारात्मक बातें करेंगे और कहलाएंगे। इससे आपकी छवि खराब होगी। इससे आपके हाथ में आए हुए सोते भी निकल सकते हैं। तो थोड़ा इन सब बातों पर गौर करें और अपनी जो व्यापार की बातें हैं, अंदर की बातें हैं, उन्हें जग जाहिर न होने दें। किसी से भी चर्चा ना करें कि आपके जीवन में, आपके व्यापार में कैसी स्थितियां बनी, अपने आप तिथियां बिगड़ी हैं। तो बन ही जाएगी, प्रयास करेंगे तभी बनेगी। किसी से बता देने से कुछ भी नहीं होता है। बस अपने रहस्य बाहर जरूर आ जाते हैं, जिससे बाद में फिर परेशानियां खड़ी होती हैं। अब सबसे बड़ी सलाह आपको तीन काम है जो इस महीने में भूल कर भी नहीं करनी है। पहला काम कि आपको क्रोध नहीं करना है। क्रोध आपको आएगा जरूर, चीजों पर, परिस्थितियों पर या अपने आप पर भी आ सकता है, तो क्रोध आपको नहीं करना है। दूसरा, किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी है, हद से ज्यादा तनाव नहीं लेना है, चिंतन करना है, मंथन करना है, चीजों के बारे में विचार करना है लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। तीसरा, कि भक्ति के मार्ग को नहीं छोड़ना है, या भगवान से आप जितना प्रेम करते हैं, उनकी जितनी भी करते हैं, उसे ज्यों का त्यों बनाकर रखना है। यह मित्रों, यह आपके लिए रामबाण होगा। हर मुसीबत से बाहर निकलने का मार्ग एकमात्र भगवान की भक्ति ही आपके लिए साबित होगा। तो यह तीन काम आपको भूल कर भी नहीं करने हैं। हालांकि भगवान के प्रति क्रोध भी आपके मन में बढ़ सकता है। आपके मन में अनाप शनाप विचार भी आ सकते हैं कि भगवान क्यों आपको जानबूझकर परेशान कर रही है। ऐसे विचार आपके मन में आ सकते हैं। तभी हम कह रहे हैं कि ऐसे किसी विचार को मन में ना आने दें। सब समय का फेर होता है, ग्रहों की चाल होती है, भगवान कभी किसी को कोई कष्ट नहीं देते हैं। तो इन सब बातों के चक्कर में ना पड़े, बस भगवान की भक्ति को मन में बसाकर रखेंगे। तो यह तो था आपका सितंबर का राशिफल। अब हम आपको बताते हैं उन तीन स्थानों के बारे में जहां पर आपको भूले से भी नहीं जाना, गलती से भी नहीं जाना है, वरना आप बहुत पछताएंगे। शनिदेव आपके ऊपर भयंकर क्रोध वर्ष आएंगे और आप हट जाएंगे। एक बार शनिदेव आपसे नाराज हुए तो फिर किसी भी देवी देवता की पूजा पाठक और किसी भी प्रकार के कर्म का सही फल आपको प्राप्त नहीं होगा। बाधाएं उत्पन्न होगी तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला स्थान पर है शनिदेव का मंदिर, वहां पर आपको भूल कर भी नहीं जान। अब आप सोच रहे होंगे कि यह हम क्या कह रहे हैं, यह तो बड़ी विचित्र बात हो गई। शनिदेव के मंदिर नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे, शनिदेव फिर प्रसन्न कैसे होंगे। तो अब ध्यान से सुने, हमारे शास्त्र की आंख शनिदेव साधारण देवता नहीं है। सामान्य देवी देवताओं की तरह शनिदेव की पूजा नहीं होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे घरों में शनि देव की कभी भी मूर्ति या फोटो नहीं रखी जाती है। इसका निषेध है। तो आपको क्या करना है, इसे ध्यान से समझिए। हमारी बातों को बस यूं ही मत समझना, हम गहराई से सारा ज्ञान आपको दे रही है। इसे बिल्कुल कॉपी पर लेकर नोट कर लेना। तो शनिदेव का ऐसा मंदिर जिसमें कि शनिदेव की मूर्ति है, इस मंदिर में आपको भूल कर भी नहीं जाना है, क्योंकि यह नए जमाने की सोच का नतीजा है। बाकी शास्त्रों में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि शनिदेव के मंदिर में मूर्ति होनी चाहिए भी नहीं। मित्रों, शनिदेव के मंदिर में शनिदेव का शिला स्वरूप होता है, या मित्रों, शनिदेव का असली स्वरूप जिला स्वरूप होता है। अब इसका शास्त्रों में कारण क्या है, आप समझ ही। शनिदेव को उनकी स्वयं की पत्नी ने श्राप दिया है कि जिस इंसान पर भी शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, यानी कि शनिदेव की दृष्टि बकरी हो जाएगी। ये शराब उन्हें लगा हुआ है। और जब शनि
शिव की मूर्ति होगी तो उसमें जो उनकी आंखें हैं और दृष्टि है वह तो हर आने जाने वाले इंसान पर पड़ेगी ही, और जब हर इंसान पर उनकी दृष्टि पड़ेगी तो उसका जीवन बर्बाद तो हो। इसीलिए शनिदेव की फोटो या मूर्ति घरों में नहीं रखी जाती है, इसीलिए शनिदेव की दृष्टि से ठीक सामने पड़ने से बचा जाता है। अब आप समझ गए कि ऐसे मंदिर में आप चले गए जहां पर देव की मूर्ति लगी है और आपने जाकर शनिदेव की पूजा पाठ की, लेकिन शनिदेव की दृष्टि तो आप पर पड़ी गई है। अब शनिदेव की दृष्टि का नतीजा क्या है? आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। जी हमें तो ये बहुत गहरी बात है, शास्त्रों से ली गई है, कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन लोग इसका मतलब शायद समझ ही नहीं पाएंगे, इसीलिए यह हमारी बात को हल्के में ले लेंगे। तो अब आप ऐसे में क्या करें, शनिदेव के ऐसे मंदिर में जाइए जिसमें शनिदेव का चेला स्वरूप विद्यमान है, वही असली स्वरूप है। दूसरा, शनिदेव के मंदिर में जब आप प्रवेश करते हैं तो सीधे यूं ही प्रवेश नहीं कर जाना है, अपने हाथों को पीछे रखकर कैदियों की तरह, मुजरिमों की तरह आपको प्रवेश करना होगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि में दुनिया का हर इंसान किसी न किसी गलती की वजह से एक गुनहगार है, तो गुनहगार की तरह ही आपको जाना हो। शनिदेव से आपको क्षमा मांगनी होगी हर उस कार्य के लिए और उस गलती के लिए जो आपने अनजाने में की है या जानबूझकर की है, तो आपको एक गुनहगार की तरह अपने हाथ पीछे करके सिर झुकाकर जमीन की ओर देखते हुए जाना है, न कि सीधे शनिदेव की दृष्टि से दृष्टि मिला लेनी है। अब आपको जाकर सामने खड़ी नहीं होना है, शनिदेव के अंदर मंदिर में जाकर आई और यह ताहिनी और कोशिश करें कि भाई और मूर्ति के बाहर खड़े हो या चला स्वरूप के बाहर खड़े हो। इसी के साथ साथ जितनी भी पूजा पाठ, शनिदेव की तरह सिर झुकाकर आंखों को नीचे कहीं करें, और सारी पूजा पाठ समाप्त होने के बाद भी आपको सिर्फ ऊपर नहीं उठाना है, इसके बाद आपको उल्टे पैर वापस आना है, शनिदेव को अपनी पीठ भूलकर भी नहीं दिखानी है। उल्टे पैर उसी प्रकार हाथ अपने पीछे रखकर और सिर झुकाकर कंधे नीचे करके वापस चलना है और मंदिर से बाहर निकलना है, लेकिन यह भी आप वहां करेंगे जहां पर शिला स्वरूप गतिमान है। यदि मूर्ति स्वरूप है तो आपको उस मंदिर में जाना ही नहीं है, वहां पर तो जाना ही निश्चित है। अब यदि ऐसा कोई मंदिर है ही नहीं जहां पर शनिदेव शिला शुरू कीजिए माल है, क्योंकि आजकल तो फैशन का जमाना है, मंदिरों में भी ऐसा ना हो गई है, भगवानों के नाम पर तो शायद ऐसा कोई मंदिर ना हो आपके आसपास, तो ऐसे में आप क्या करें? तो ऐसे में आप किसी ऐसे मंदिर में जाइए जहां पीपल का वृक्ष स्थापित होता है, लगा होता है, तो पीपल का जो पिक्चर है उसे भी शनिदेव का स्वरूप ही माना जाता है। तो शनिवार के दिन जो पूजा पाठ विधि विधान से आपको करने हैं, बस अब आप पीपल के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि पीपल का वृक्ष मंदिर के प्रांगण में होना चाहिए। अक्सर हनुमान जी के, भोले बाबा के मंदिरों में प्रांगण में पीपल का वृक्ष मिल ही जाता है, तो हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में जो पीपल का वृक्ष लगा है वह शनिदेव का ही स्वरूप है, तो उस वृक्ष के नीचे आपको जाना है और वहां आप दीपक जलाएं शनिदेव के नाम से, और वहां पर आप शनिदेव का ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। जी हमें तो बस इतना सा आपको करना है, साथ ही आपसे तो छायादान भी कर सकते हैं, इतना करें आप, बाकी आपकी पूजा भाट से सार्थक होगी, शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। अब यह शनिदेव जानबूझकर नहीं करेंगे कि आप उनके मंदिर गए और उन्होंने आपको श्राप दे दिया, आपसे नाराज हो गए, यह तो उनकी दृष्टि है जो श्राप के कारण बकरी हो चुकी है, तो जैसे ही आप जाएंगे और आपकी जीवन में बर्बादी आ जाएगी। हमें तो यह कड़वा सच है, लेकिन लोगों को हजम करने में समस्या होती है, क्योंकि शास्त्रों की सच्ची और अच्छी बातें लोग जानते कहां हैं। आजकल तो लोग केवल फैंसी, बनावट और दिखावटी बातों में ज्यादा रहते हैं, लेकिन हम तो आपको सच्चा ज्ञान दें, क्योंकि हमें माता रानी का आदेश है कि जो बातें बोली हैं वह सच होनी चाहिए, झूठी और पाखंड बातें हमें नहीं करनी है। तो यह तो पहला स्थान हो गया, उम्मीद है आप इस बात की गहराई को समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं दूसरे स्थान की। अब दूसरा स्थान वही स्थान है जहां पर की हिस्सेदारी को लेकर बहस हो रही है या लेन देन को लेकर किसी प्रकार का विवाद चल रहा है, चाहे भले ही कोई आपको बुलाए कि हमारा विवाद है, जरा इसे सुलझाने में हमारी मदद करो, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि लोग अपने मित्रों को, साथियों को बुला लेते हैं, अपने विवादों को जैसे परिवार के विवाद है, प्रॉपर्टी का लेन देन है, पैसे रुपए का लेन देन है,
इन सारे विवादों को सुलझाने के लिए अपनों को बुला लें, लेकिन आपको ऐसी जगह पर भूलकर भी नहीं जाना है क्योंकि अभी शनि वक्री चाल में है और शनि की महादशा भी चल रही है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी के यहाँ किसी प्रकार अब भी न्याय नहीं कर सकते। यह अधिकार आपके पास है ही नहीं, यह अधिकार तो स्वयं शनिदेव के हाथों में है, तो आप भूल कर भी किसी के यहाँ ना जाएं। किसी के विवाद को सुलझाने के लिए आप यदि ऐसी जगह पर जाते हैं तो आप शनिदेव के दोषी बन जाते हैं, क्योंकि आप वही कार्य करने लगेंगे जो कार्य शनिदेव स्वयं कर रहे हैं। तो क्या भगवान और भक्त एक ही कार्य कर सकते हैं? भगवान ने संसार को बनाया है, क्या भक्त संसार को बना सकता है? नहीं, भक्त भगवान के बनाए हुए नियमों का पालन करें, यही आपको करना है। आप न्याय के मार्ग पर चलेंगे लेकिन न्याय की बातों में आप शामिल नहीं होंगे, यानी कि किसी के लिए न्याय आप करेंगे नहीं, आप न्याय के नियमों का पालन करेंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं, यानी कि जहां किसी प्रकार का विवाद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, आप उसे सुलझाने के नियत के साथ नहीं जाना है। तो अब बात करते हैं तीसरे स्थान की जगह। मित्रों, यह और भी अधिक महत्वपूर्ण है, जरा इसे ध्यान से समझना। आजकल के दौर में लोग इस बात को फैशन बना चुके हैं कि वे अपने धर्म को या किसी अन्य धर्म को, अपने भगवानों को या किसी अन्य के भगवानों को, दूसरे धर्म के भगवान हो चाहे अपने भगवान हो, यानी कि ईश्वर के किसी भी स्वरूप का अनादर कर रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं, धर्म का अपमान कर रहे हैं, अधर्मी बातें कर रहे हैं। ऐसे स्थान पर आपको भूल कर भी नहीं जाना है, ना ही वहां करना है। यदि आप ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां अचानक से लोग ऐसी बातें करने लगे जो कि भगवान का अपमान हो, उनकी भक्ति मार के खिलाफ अन्य धर्म की बातें, भगवान का अपमान करने वाली बातें करने लगे, तो या तो आप उनकी बातों को वहीं रोक दें, यदि रोक नहीं सकते तो आप तुरंत उसी स्थान को छोड़ दें। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण सबसे बड़ा यह है कि संदेश स्वयं भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। हमें तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे रहने के कारण ही तो उन्हें श्राप प्राप्त हुआ था उनकी पत्नी के द्वारा। जिया मित्रों, तू जो इतना बड़ा भक्त भगवान का है कि उसे भक्ति के कारण ही प्राप्त हो गया, तो वही यह कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि कोई किसी भी भगवान, किसी भी धर्म या किसी भी भक्तों का अपमान कर रहा हूं? यह बिल्कुल ही शनिदेव की सोच के पूर्ण रूप से खिलाफ है। तो आपको भूल से भी ऐसे स्थान पर नहीं जाना है जहां लोग ऐसी बातें करते हैं, जहां लोग इस तरह की विचारधारा का समर्थन भी कर देते हैं। टीवी कह दे कि हाँ ठीक है, ये भगवान तो ऐसे हैं वैसे हैं, ये ऐसा ही कोई कह भी देता है, तो आपको उस इंसान का साथ अभी तुरंत जवाब देना है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, आप सोचे कि हम तो नहीं कह रहे हैं, हमें क्या है, दूसरे ही तो कह रहे हैं, उन्हें कहने दो, क्या फर्क पड़ जाता है? यदि आप ऐसा सोचकर वहां बैठे रहते हैं तो उस स्थान से उत्पन्न होने वाली दूसरी ओर जाएं, आपकी ऊर्जा क्षेत्र को भी दूषित करेंगे और आपके मन को भी दूषित करेंगे। इसलिए आपको स्थान को तुरंत छोड़ देना है, वरना शनिदेव का क्रोध आपके ऊपर बरसेगा ही। यहां मित्रों, यह तो थी यह तीन थानों की बातें। अब हम आपको बताते हैं उस महाशक्तिशाली उपाय के बारे में, तो ध्यान से सुनिए इस उपाय। मित्र, यह उपाय एक मंत्र है और इस मंत्र का नाम नवाज, हमें नवार्ण मंत्र, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। और इस मंत्र में सभी देवी शक्तियां, यानी कि शक्ति के सभी रूप समाहित होती हैं। असल में मां दुर्गा का विशेष मंत्र है, लेकिन इसमें माता दुर्गा की समस्त रूप है, जैसे कि मां काली है, काली है, चामुंडा है, छिन्नमस्ता है, कुष्मांडा है, जितने भी नौ देवियों के रूप है सब इसी में समाहित होते हैं। तो यह टीवी शक्ति के लिए बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, तो आप इस मंत्र का प्रयोग करना है। साथ ही साथ चुनाव रहे हैं, सभी नौ ग्रहों की शक्ति इस एक मंत्र में समाहित होती है। इस मंत्र के 11 अक्षर 11 ग्रह को प्रदर्शित करता है। यह मित्रों, उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि इस मंत्र में पहला अक्षर है जो सूर्य को और देवी उमेश शैलपुत्री को दिखाता है, दूसरा अक्षर है प्लीज जो चंद्रमा को और देवी की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारी को दिखाता है, और तीसरा अक्षर की जो कि चंद्र घंटा देवी को दिखाता है। इसी प्रकार ग्रहों में यह मंगल को दिखाता है, तो इसी प्रकार की एक अक्षर में एक एक ग्रह और विद्या देवी शक्ति समाहित है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें
कि यह मंत्र कितना शक्तिशाली है, तो अब आपको क्या करना है, यह ध्यान से सुनिए कि आपको किसी भी शनिवार के दिन बाजार से एक नारियल लाना है। लाल कपड़ा और लाल धागा लेकर आना है, लाल रंग का ही प्रसाद और लाल पुष्प लेकर आना, और इस संपूर्ण सामग्री का प्रयोग आप राज्य में शनिवार के दिन विधि विधान के साथ करेंगे। आप शनिवार की रात्रि यानी 9:52 के आसपास आसन लगाकर बैठी माँ दुर्गा की फोटो स्थापित करिए और उसके बाद इस नारियल का पूजन करिए और इसे लाल कपड़े और लाल धागे से लपेट कर अपने पूजा घर में स्थापित कर दीजिए। फिर आप या फिर रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करेंगे। एक माला जाप करना है। आपको मंत्र है AUM एंड क्लीन क्लीन चामुंडाए विच्छे मंत्र। बहुत ही सरल मंत्र का जाप करें और उसके बाद आप इस नारियल को अपने पूजा घर में स्थापित कर लेंगे। इसके बाद यह माता का शुद्ध स्वरूप बनकर आपके पूजा घर में स्थापित रहेगा और फिर इसके बाद अगले दिन से ही यानी पूरे सितंबर के महीने आप जब भी अपने घर से बाहर निकले तो इस नारियल के पैर छूकर और मन में इस मंत्र का उच्चारण करके ही बाहर निकले। जब आप घर से बाहर कदम निकाले तो अपने मन में इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए कदम को बाहर निकाले। मन आपको जाप करना है, मौके की आह्वान सुझाव नहीं करना है। आप कितनी भी बार जाप कर सकते हैं, एक बार या दो बार कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप इस मंत्र को अपने मन में ख्याल अवश्य करेंगे। बस इतना सा कार्य को करना है। इससे देवी शक्तियां आपको प्राप्त, मान शैलपुत्री मां दुर्गा की शक्तियां आपको प्राप्त होंगी। कृपा कर आपको किसी के साथ साथ ग्रहों का भी योग कुप्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है, वह भी बहुत ही कम हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आज का यह जानकारी आप सभी को पसंद आई है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय।